यूपी के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा, टैंकर ने ऑटो को रौंदा, शादी से लौट रहे 9 लोगों की दर्दनाक मौत। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू टैंकर की टक्कर से ऑटो सवार 9 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को कानपुर के लिए रेफर कर दिया है। हादसे के वक्त ऑटो पर कुल 11 लोग सवार थे, जिनमें से 9 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। हादसे के बाद कंटेनर समेत चालक मौके से फरार है। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। घटना जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के चिल्ली मोड़ की है। हादसे की सूचना के बाद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कंटेनर चालक की पड़ताल के लिए टोल प्लाजा समेत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इटावा के बंगाली कॉलोनी के रहने वाले अनिल सोनकर के रिश्तेदार कानपुर देहात के मूसानगर थाने के रसूलपुर गांव में रहते हैं। सोमवार को शादी समारोह में शामिल होने के लिए वो अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मूसानगर पहुंचे थे। मंगलवार के दिन वो अपने परिवार के साथ मूसानगर जहानाबाद के बरादरी में रहने वाले रिश्तेदार से मिलने पूरा परिवार एक ऑटो में आ रहा था, तभी चिल्ली मोड़ के पास से हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रहे टैंकर ने ऑटो को रौंदते हुए निकल गया। इस हादसे में अनिल, उसकी पत्नी यशोदा सहित 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अनिल के बेटे सुमैया और बहादुर की हालात नाजुक देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने सभी डेडबॉडी का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सड़क हादसा हुआ है, क्या कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हैं इसमें? जहानाबाद घाटमपुर मार्ग पर चिल्ली मोड़ के पास टैंकर और टेम्पो के बीच टक्कर हुई है, जिसमें 11 लोग सवार थे। 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जिसमें 5 पुरुष, 2 महिलाएं, 2 बच्चे हैं, 2 घायल हैं, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और मृतकों को पंचनामा पोस्टमार्टम करवाई की जा रही है। घायलों की क्या स्थिति है सर बताइए? घायलों में एक की स्थिति सीरियस बता रहे हैं, हेड इंजरी है और एक के हाथ पैर फ्रैक्चर है। पूरा परिवार ही है, उसका भाई है, हमारा भाई है अनिल का नाम, हमारी बहू है अनिल, आपका नाम राजेश हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।